नमस्कार, आपके साथ मैं विकास झा। इस टाइम मैं फरीदाबाद के सेक्टर 2 में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो बल्लभगढ़ सेक्टर 2 से जो मूलचंद शर्मा जी है अभी वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं, और वहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी जो उम्मीदवार है पराग शर्मा जी वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि जो पराग मूलचंद शर्मा की पोती है पराग शर्मा जी, हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी के भाई मौजूद हैं, छोटे भाई, उनसे हम सारी चीजें जानने की। जी नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा करमचंद शर्मा। अच्छा, जो पराग शर्मा है क्या वो मूलचंद शर्मा जी की पोती है? हमारे गांव से, हमारा पूरा गांव ही एक ही परिवार है, एक ही खानदान है। पराग शर्मा हमारे गांव से हैं। पराग शर्मा आपके गांव से? जी, और हमारा पूरा गांव एक ही परिवार है सारा। अच्छा, एक ही परिवार है। यहाँ सारा वशिष्ठ होते हैं, रिलेशन में पोती लगती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी जिस तरीके से मूलचंद शर्मा जी अभी आगे चल रहे हैं और पराग शर्मा पीछे चल रही हैं, और वो फर्स्ट टाइम यहाँ से वो फरीदाबाद से चुनाव लड़ रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हैं, अपना पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और चुनाव लड़ रही हैं। और अभी पीछे भी चल रही है मूलचंद शर्मा जी, अभी आगे चल रहे हैं काफी वोटों से। मूलचंद शर्मा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया था, यहाँ की हमारी जो लोकप्रिय जनता है, जो देवतुल्य जनता है, उन पर अपना भरोसा जता रही है, उन पे काम पे भरोसा जता रही है। जो बिना खर्ची पर्ची की सरकार पिछली चली है उस पर भरोसा जता रही है, जो ईमानदारी से सरकार चली है उस पर भरोसा जता रही है। वो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। और जैसे कि अभी यहाँ से बल्लभगढ़ से कई निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए, तो वो कह रहे थे हम जीतेंगे, और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सागर राठौर भी, वो भी ये बता रहे थे कि बल्लभगढ़ से उनकी पूरी, क्योंकि हम यहाँ से हमारी पूरी जीत हो गई, वो भी अभी पीछे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जब खड़े होते हैं वो पहले दिन से जीत ही समझते हैं, तभी खड़े होते हैं। उन्हें हार लगे तो खड़े ही ना हो, वो तो अपने आप को जीता ही समझते हैं। लेकिन ये तो जनता तय करती है किसको जिताना है, किसको वोट देने है। वही हम पराग शर्मा जी की बात भी देखे तो पराग शर्मा भी बता रहे थे कि जीत हमारी 100% है, कांग्रेस ही इस बार आएगी यहाँ पर। जब तक रिजल्ट नहीं आता हर प्रत्याशी अपने आप को जीता हुआ मानता है, रिजल्ट आने के बाद ही तय होता है कौन जीता है कौन हारा है। जी जी, मेरा नाम भैया सुभाष कॉलोनी थे, साहूकाल पंडित जी कहते हैं। जिस तरीके से मूलचंद शर्मा की हार हो रही है, देखो भाई मूलचंद शर्मा जी का विकास बोल लो है, जो विकास करवाया ना मूलचंद शर्मा जी ने, वो सुभाष कॉलोनी, हरिविहार, बल्लमगढ़ सबसे बड़ी विकास करवाया, विकास बोल लो है। कांग्रेस की कोई वो नहीं है, पहले नारियल तोड़ के चले जाते कांग्रेस वाले और वह देखे नहीं आते थे पीछे को, मतलब जो गली परी है तो परी ही। अब 90% नहीं 95% मूलचंद शर्मा जी ने काम करवाया हो, एक कोरोना के चक्कर में 2-4 गली 5% रह रही है भाई, काम पूरा होगा। वो मूलचंद शर्मा जी बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं और अच्छे विकास करवाते हैं। छवि है उनकी, मूलचंद शर्मा जी छवि बहुत अच्छी है।